नमस्कार। हर सप्ताह की तरह आज हम फिर एक नए विषय के साथ आपसे मिल रहे हैं। हमारा आज का विषय है कि हम कौन से कलर को प्रेफरेंस दें फैमिली के अकॉर्डिंगली। इस विषय पर हमें बहुत से प्रश्न आए हैं और बहुत से कॉल्स भी आए हैं, इसलिए जिसमें ज्यादातर यही बोला गया है कि आप हमें बताएं कि आप रंगों के चयन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। आचार्य जी, आप हमें थोड़ा सा इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार आचार्य जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जैसे कि आप कलर थेरेपी को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस कलर थेरेपी की क्या इम्पोर्टेंस है, आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको और अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे ग्रह हैं, समस्त ग्रह जैसे कि सूर्य, मंगल, चंद्र, जो भी जितने भी ग्रह हैं, ये सभी के सभी ग्रह कोई ना कोई कलर की इम्पोर्टेंस रखते हैं और ये किसी ना किसी कलर को रिप्रेजेंट करते ही करते हैं। तो बात यहाँ पे आती है कि जैसे मैं चंद्रमा की बात करूंगा तो व्हाइट कलर है, मंगल की बात करेंगे तो हम रेड कलर की बात करते हैं, बुध हमारा ग्रीन है, बुध जो हमारा गुरु है वो येलो कलर का है। तो इसी तरीके से सारे के सारे ग्रह कोई ना कोई इम्पोर्टेंट कलर को मतलब लेकर अपने साथ चलते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि हर किसी ग्रह का कोई ना कोई इम्पोर्टेंट कलर है। तो वो कलर जैसे भी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस भी ग्रह को हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हम उसी ग्रह के कलर को थोड़ा सा उसकी बॉडी में थोड़ा हम ज्यादा डाल देते हैं। वो हम किसी स्टोन के माध्यम से डाल सकते हैं, या फिर हम किसी कलर को पहन के, या फिर चीजों को खाकर भी हम उस कलर को ज्यादा से ज्यादा अडेप्ट कर सकते हैं। और इसका हमें हमेशा ही 100% इसका अच्छा बेनिफिट या रिजल्ट्स मिलते हैं। और इसी के विपरीत कई बार क्या होता है कि कुछ कलर्स, जहां ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ ग्रह हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, और जो ग्रह हमारे लिए अच्छे नहीं हैं उन ग्रहों के कलर जो भी होते हैं अगर वो अपनी लाइफ से निकाल देंगे तो तब भी हमें बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और ज्यादातर हमारे पास क्या होता है, मेरे पास जितने भी चार्ट्स आते हैं, मैं कई बार उनको बोलता हूँ कि अगर आपको येलो कलर मना है तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि उनका फेवरेट कलर ही येलो है। तो ये मोस्टली हमने देखा है कि जिस बंदे को जो कलर सूट नहीं करता या जो नहीं पहनना चाहिए जी जी। वो ज्यादातर वही कलर को पहन रहे होते हैं। तो इसी कारण वो धीरे 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 अपनी लाइफ में कोई ना कोई हर्डल को फील करते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम को फील करते हैं। अगर मैं ये आपने आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से ये जरूर बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी दर्शक अपने लाइफ में अपनी कुंडली के मुताबिक कलर का चयन सही चयन कर लेता है तो उसकी लाइफ में चार चांद जरूर लगेंगे। और सही चयन होने के बाद वो अगर आज की डेट में एक किसी भी मुकाम पे है तो वो अपने मुकाम को और ज्यादा बड़े मुकाम तक हासिल कर सकता है। तो ये इम्पोर्टेंस हमारी कलर्स की हमारी लाइफ में मतलब हम मान सकते हैं कि है। अच्छा, अब आचार्य जी हमें, हमारे जो दर्शक हैं उनको ये बताइए कि किस जातक को कौन सा कलर पहनना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो ग्रह हमारे लिए अच्छा है उस ग्रह के कलर्स को हमें अडेप्ट करना है, और जो भी ग्रह हमारे लिए बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है उसको थोड़ा अवॉइड करिए, उनके कलर्स को भी अवॉइड करिए, उनके खाने वाली चीजों को भी अवॉइड करना चाहिए। तो स्पेसिफिकली हम इस चीज को सभी के लिए यूनिवर्सल कुछ भी नहीं होगा, यूनिवर्सल का मतलब है कि एक उपाय एक बंदे के लिए नहीं मान सकते, हर किसी के कलर का चयन उनकी कुंडली के मुताबिक ही होगा। तो मैं ये क्वेश्चन का, आप जो मेरे से आपने क्वेश्चन किया है कि कौन सा कलर किसको पहनना चाहिए, ये स्पेसिफिकली हर बंदा अपना चार्ट चेक करवाकर और या हमारे प्रोग्राम के माध्यम से या हमें व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकता है, या फिर अपनी कुंडली को हमारे यहाँ पर लिखकर भेज दे कि उनका लग्न कौन सा है, उनकी राशि कौन सी है, फिर हम उनको ये डिसाइड करके बता पाएंगे कि उनका सही कलर कौन सा है और उनके जो मार्केश है या उनके लिए जो खतरनाक कलर है वो कौन से हैं। ठीक है जी, मतलब ये कुंडली ही डिसाइड कर पाएगी कि उनको कौन से कलर को, कौन सा कलर उनको सूट करता है, कौन सा नहीं सूट करता है। जी बिल्कुल। आचार्य जी, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को इस बारे में जानकारी दीजिए कि कुछ लोग जो हैं
हम जनरल रूटीन लाइफ में अपने देखते हैं कि वो दिनों के हिसाब से कलर पहनते हैं, ये मंडे को ये पहनना है, ट्यूसडे को ये पहनना है, आप उसके बारे में थोड़ा जानकारी करें। मैंने देखा है ज्यादातर जो कई लोग मंडे को और फ्राइडे को व्हाइट कलर पहनते हैं, ट्यूसडे को रेड या फिर ऑरेंज पहनते हैं, वेंसडे को वो ग्रीन पहनते हैं, थर्सडे को येलो पहनते हैं, और सैटरडे संडे को वो सैटरडे को ब्लैक या ब्लू या फिर संडे को वो रेड या फिर ऑरेंज कलर पहनते हैं। देखिए ये जो कलर जो कलर थेरेपी है ये बेसिकली बेस्ड ऑन है कि कौन सा दिन जो होता है वो कौन से कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि अभी मैंने मंडे ट्यूसडे वेंसडे का सारा आपको बताया है, तो हमें अगर किसी दिन से ज्यादा फायदा लेना है, जैसे मंडे की बात कर लेते हैं, अगर किसी का चंद्रमा वीक है तो उस ग्रह को स्ट्रांग करने के लिए अगर आपको रिकमेंड किया गया है तो आपको हमेशा सफेद कलर का ज्यादा चयन करना चाहिए, इससे 100% है आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा। इसके साथ ही जैसे कई लोगों का मंगल वीक होता है, उसको हम लोग खुद बोलते हैं कि आपका मंगल वीक है और आपको मंगल को स्ट्रांग करना है, तो उस कंडीशन में जब भी मंगल वीक होगा, मंगल को स्ट्रांग करना होगा, तो रेड कलर का पहनना आपके लिए सोने पे सुहागे का काम करेगा, मतलब आपको 100% उसका अच्छे से अच्छा फायदा मिलेगा। कई बार हम ऐसा भी सुजेस्ट करते हैं कि किसी को कोई कलर के साथ साथ किसी स्टोन का चयन करना है। आप देखना, कभी भी नोटिस कर लेना, जो हमारे रंग होते हैं डेज के हिसाब से, ऐसे ही हमारे जो स्टोन्स भी होते हैं उनके कलर्स भी ऐसे ही होते हैं। मसलन अब मोती की बात कर लेते हैं, जो हमारा पर्ल होता है जो वो व्हाइट कलर सफेद कलर का, जी जी। मूंगे की बात करेंगे रेड कलर का या ऑरेंज कलर का मिलेगा आपको जी। अब पन्ने की बात करें तो पन्ना ग्रीन है, पुखराज येलो है, जो हमारा डायमंड है या फिर जिरकॉन है या फिर हमारा ओपल है, ये सारे व्हाइट कलर के आते हैं। जो ओपल होता है ये थोड़ा सा फायरी होता है, दैट इज अनदर थिंग, अदरवाइज इसका जो बेस है वो व्हाइट कलर का ही होता है। अब शनि की बात कर लो तो आप नीलम की बात करेंगे तो नीलम हमेशा आपको नीले रंग का मिलेगा जी जी, ठीक है ना। और केतु और राहु की तो मैं ज्यादातर स्टोन कम पहनाता हूँ, उसका ये कारण होता है कि जो राहु और केतु है ये बहुत ही कम लोगों को सूटेबल कंडीशन में मिलते हैं, मतलब उनकी चार्ट्स में, तो जिसके अच्छे होते हैं तो उनको मैं सिर्फ रिकमेंड करता हूँ, अदरवाइज मैं कभी भी राहु और केतु के कलर्स को ज्यादातर आपको नहीं बोलूंगा पहनने के लिए। आज आपको ये भी बताना चाहूंगा कि राहु का कलर जो होता है नेवी ब्लू कलर होता है, अगर किसी का राहु खराब हो तो उसको नेवी ब्लू कलर बहुत ज्यादा नहीं पहनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। केतु का कलर लोगों को नहीं पता, जो हमारा ब्राउन कलर होता है ये केतु का कलर होता है, इसके साथ साथ जितने भी मल्टी कलर शेड्स होती हैं जिसमें एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, तीन चार पांच कलर की शर्ट टी शर्ट्स लोग पहनते हैं, या फिर चेक वाला जो होता है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक रेड है, या फिर ऐसे कोई भी और कलर के चेक है जी जी। तो जितने भी चेक या फिर मल्टी कलर या फिर ब्राउन कलर ये केतु के होते हैं, जिन लोगों का केतु खराब है उनको केतु के, और जिन लोगों का राहु खराब है इनको राहु के कलर्स का चयन कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनको नुकसान उठाना ही पड़ सकता है जी। तो ये आपको मैंने आपको कलर्स के हिसाब से थोड़ा सा गाइड किया है। आचार्य जी, ये जो है जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि कुछ लोग जो है वो दिनों के हिसाब से कलर्स पहनते हैं, तो क्या ये हर किसी के लिए वैसे ही सूटेबल है, बेनिफिट है कि नहीं है, जैसे मंडे को? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है। देखो ऐसा होता है कि कई लोगों के लिए, जिसका मैंने अभी एग्जांपल लिया कि कईयों का मंगल वीक होता है, हम सुजेस्ट करते हैं उनको रेड कलर पहनना चाहिए, इसके लिए उनका जो लग्न है वो मंगल का या फिर गुरु के ग्रहों से रिलेटेड होना चाहिए, जैसे कि मेष लग्न है हमारा, इसके बाद कर्क और सिंह है, और इसके साथ वृश्चिक धनु व हमारा मीन लग्न आता है जी। तो ये लग्न वाले अगर मंगल को स्ट्रांग करेंगे, इसका एंटी कलर या जिसको बोलते हैं इसका विपरीत जो रंग बनता है वो हरा रंग बनता है, कभी भी जो बंदों को कभी भी जितने भी जातकों को हम लोग मंगल को स्ट्रांग करने के लिए या रेड कलर को पहनने के लिए सुजेस्ट करते हैं, उनको ग्रीन कलर कतई नहीं पहनना चाहिए। ग्रीन कलर उनका मार्केश बनेगा और उनको कहीं ना कहीं मृत्यु तुल्य कष्ट भी देगा, मतलब उनको ये इस कगार तक ले जाएगा कि उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन चले जाएगी, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डाउन चले जाएंगे, या
बहुत ही ज्यादा उनके लिए लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो रेड कलर के लिए इसका एंटी कलर जो है वो ग्रीन कलर है। मैं थोड़ा सा ना आपको सभी को ये जानकारी एक मोटे तौर पे आपको देना चाहूंगा, आपको जरूर कुछ जा तक इसको समझ भी लेंगे, जिनको नहीं समझ चलेगी वो हमें पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आप कॉल करके पूछ सकते हैं, बता देंगे उनको जी, जी। जिसके लिए भी मैं आपको ये समझाता हूँ, जो रेड कलर पहनने के लिए जिनको हम सुजेस्ट करते हैं उनको ग्रीन कलर नहीं पहनना है, जिनको हम येलो कलर बहुत ज्यादा सुजेस्ट करते हैं उनको व्हाइट कलर बहुत ज्यादा नहीं पहनना चाहिए। इसी के विपरीत हम बात करते हैं जिनको काला रंग हम बोल देते हैं उनको रेड कलर नहीं पहनना है, जिनको हरा रंग बोल देते हैं उनको फिर लाल रंग नहीं पहनना है। अच्छा। तो ये थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखिए। अगर आप ऐसे ही अपनी लाइफ में कलर्स का सही चयन करते हैं, कुछ रंगों को हमें छोड़ना पड़ता है और कुछ को अडेप्ट करना पड़ता है, अगर इन्हीं बातों का हम ध्यान रख के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हैं, डेफिनेटली बहुत सारी मुसीबतें अपने आप ही दूर हो जाएंगी और हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ हर्डल्स, कोई ना कोई मुसीबत या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, ये कलर्स के एक छोटे से उपाय के साथ भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए मैं आप सभी को हमेशा कलर थेरेपी के बारे में आपको बताता हूं और ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर जोर डालता हूं, क्योंकि जो स्टोन होते हैं ये हर कोई आदमी या हर कोई इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता, स्टोन थोड़े से कॉस्टली होते हैं। तो मैं ये कलर थेरेपी के ऊपर इसीलिए बहुत ज्यादा आपको कोशिश कर रहा हूं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊं, या फिर आपको वैसे भी आपको हमेशा कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर जोर डालने की कि आप कलर थेरेपी को ज्यादा फील करो, इंप्लीमेंट करो और अपनी लाइफ में सुख और शांति को प्राप्त करो। ठीक है आचार्य जी, आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि कलर थेरेपी जो है जो उनकी लाइफ में कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये हम अपनी कुंडली के थ्रू के कौन सी दशा चल रही है, कौन सा ग्रह हमारे उसमें बैठा है, घर में बैठा है, कौन सा नीच का है, हम उन्हीं कलर्स का चयन करके कौन सा बेनिफिशियल है कौन सा नहीं है। और ये बहुत ही सिंपल है, हमारे घर में हमने बहुत से कलर्स के कपड़े जैसे ले रखे होते हैं कि हमें कौन सा पहनना है कौन सा नहीं, उसके अकॉर्डिंगली अगर हमें लाइफ में बेनिफिट मिल सकते हैं तो फिर हमें आई थिंक जरूर लेना चाहिए, ज्यादा खर्चे वाली तरफ ना जाके और अपने लाइफ को और ज्यादा सुधारने के लिए आपके अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे अकेले खर्चे की बात नहीं है, यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगा कि स्टोन्स हमारे वो जो होते हैं ये लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये भी जरूरी है। हाँ जी। लेकिन जो बंदा अकेले स्टोन्स को अफोर्ड नहीं कर पाता तो वो लोग कलर थेरेपी को तो जरूर अपनी लाइफ में अपनाए, और अगर कलर थेरेपी के साथ हम स्टोन्स को साथ में अपने अपना लेते हैं, मतलब हमारे जो नगीने हैं जो हमारे पत्थर हैं, तो इसके साथ बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, सोने पे सुहागा हो जाएगा फिर तो, अगर हम कलर थेरेपी के साथ स्टोन्स भी अडॉप्ट कर लेते हैं जो हमारी कुंडली को सूट करते हैं। आज तक के लिए बस इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। मैं सभी दर्शकों को ये अनुरोध करती हूँ कि अगर आपको सही रंगों के चयन का पता नहीं है या कौन सा रंग आपके लिए तरक्की करवा सकता है आपको या कौन सा नुकसान दे सकता है, इसकी अधिक जानकारी के लिए आप सभी हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं हमसे या कॉल कर सकते हैं। इस तरह की और वास्तु जानकारी और टिप्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। वास्तु व कुंडली विषयों पर अपने प्रश्नों व कार्यक्रम को लेकर सुझावों के लिए कमेंट करें और अपने टाइम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस जो है आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। घर व कार्यस्थल के वास्तु विश्लेषण व उपायों के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ व सुरक्षित रहें। नमस्कार।